कि फ्लांज कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है, और कौन सा फ्लांज कहाँ पे यूज करना है। इसके पहले मैंने आपको बताया था वाल के बारे में कि वाल कितने प्रकार के होते हैं, कौन सा वाल कहाँ पे यूज करना है और उसका जो भी वर्किंग प्रोसेस होता है वो हमने आपको बताया था। और जैसा कि आप सबको पता होगा कि अभी पाइप फिटर ट्रेनिंग से रिलेटेड जो है मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। अभी तक हमने जो है बेसिक से, मतलब स्टार्टिंग से हमने अभी तक जो है ऑफसेट तक अभी तक बता दिया है। तो अभी हम आइसोमेट्रिक ड्राॅइंग के बारे में सीख रहे हैं। तो आइसोमेट्रिक ड्राॅइंग में यूज होने वाले जो भी इम्पोर्टेंट जो सिम्बल्स होता है वो मैंने जो है आपको बता दिया है। तो आप चाहे तो देख सकते हैं वीडियो को, आपको मिल जाएगा लिंक डिस्क्रिप्शन में या फिर आई बटन में। तो आज बेसिकली हम बात करेंगे कि फ्लांज कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। तो पहला नंबर में हम ले लेते हैं थ्रेडेड फ्लांज, ठीक है, और सेकेंड नंबर पे वेल्ड नेक फ्लांज। पहले यहाँ पे मैं आपको जितना फ्लांज होता है सब मैं यहाँ पे बता देता हूँ, उसके बाद एक एक करके मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करता जाऊँगा, ओके। उसके बाद है हमारा ब्लाइंड फ्लांज, ठीक है, और उसके बाद है सॉकेट वेल्ड फ्लांज, और उसके बाद अगला है स्लिप ऑन फ्लांज, और उसके बाद छठा है हमारा लैप जॉइंट फ्लांज। तो चलिए एक एक करके हम जो है यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करते हैं सभी को, लेकिन उससे पहले हम यहाँ पे आपको ये बताना चाहेंगे कि फ्लांज बेसिकली होता क्या है, क्योंकि जो पुराने लोग हैं उनको तो ऑलरेडी पता होगा कि फ्लांज क्या होता है, लेकिन हमारे चैनल से बहुत सारे नए लोग भी जुड़ते हैं, उनको जो है बिल्कुल कुछ भी पता नहीं होता है। तो पहले तो ये बताना जरूरी है कि फ्लांज क्या होता है, फ्लांज का हम यूज किस लिए करते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। तो आइए जानते हैं कि फ्लांज क्या होता है और इसका यूज हम क्यों करते हैं। तो फ्लांज का यूज हम बेसिकली पाइप को जॉइंट के लिए करते हैं, ठीक है, ये एक जॉइनिंग प्रोसेस है, आप ऐसा भी बोल सकते हैं। मान लीजिए ये दो पाइप है, तो यहाँ पे हमने क्या किया, दो यहाँ पे फ्लांज लगा के इसको जॉइंट कर दिया। तो अब सवाल ये है कि हम फ्लांज यहाँ पे क्यों लगाएंगे। तो फ्लांज का यूज हम इसलिए करते हैं ताकि हम जो है इसको बाद में निकाल सके। मान लीजिए यहाँ पे अगर हम इसको सीधा वेल्डिंग कर देते हैं, मान लीजिए हमने यहाँ पे दोनों पाइप को जॉइंट किया और यहाँ पे हमने वेल्डिंग कर दिया, तो फिर ये हमें जो है इसको निकालने में बाद में अगर हमें इसको निकालना है तो ये दिक्कत होगा, इसको निकाल नहीं पाएंगे। लेकिन अगर यहाँ पे हम फ्लांज का यूज करेंगे तो इसको जो है इजी से निकाल सकते हैं, या फिर इस अगर मेंटेनेंस हमें करना होता है तो जो फ्लांज रहता है तो उसको हम आसानी से निकाल के उसका मेंटेनेंस कर लेते हैं। लेकिन अगर वेल्डिंग हम डायरेक्ट कर देते हैं तो फिर उसको जो है कटिंग करना पड़ता है। तो इसलिए फ्लांज का यूज करते हैं ताकि हमें जो है मेंटेनेंस करने में आसानी हो, ठीक है, और दूसरा ये है कि इसको जो है हम बाद में कभी भी निकाल सके, तो इसलिए हम फ्लांज का यूज करते हैं। और फ्लांज का यूज जो है हम वाल वगैरह अगर लगाते हैं तो वहाँ पे हम यूज करते हैं, तो इसलिए फ्लांज का यूज किया जाता है। तो चलिए अब आपको दिखाते हैं कि इसके कितने प्रकार होते हैं और कौन सा फ्लांज कहाँ पे यूज करना है। तो पहला नंबर पे हमारा थ्रेडेड फ्लांज, ठीक है, तो चलिए जानते हैं थ्रेडेड फ्लांज क्या होता है। तो ये देखिए ये है थ्रेडेड फ्लांज, थ्रेडेड मतलब जिसको हम चूड़ी बोलते हैं हिंदी में। तो ये देखिए इसके अंदर में ये थ्रेड बना हुआ है, ठीक है, चारों तरफ। तो इसमें क्या होता है, इसमें थ्रेड होता है और जो पाइप होता है इस तरीके का, मान लीजिए पाइप है तो पाइप में भी थ्रेड रहता है यहाँ पे ऐसे। तो जो थ्रेड है पाइप का उसमें हम इसमें घुसा के और इसको घुमा देंगे तो ये जो है फ्लांज इसमें फिक्स हो जाएगा, ठीक है। तो आइए अब जानते हैं कि थ्रेडेड फ्लांज का यूज कहाँ पे करना है और कहाँ पे नहीं करना है। तो इसका यूज जो है बेसिकली जो यूटिलिटी जो होता है हमारा उसमें हम जो है करते हैं। इस टाइप का जो फ्लांज है वो ज़्यादा प्रेशर को हैंडल नहीं कर सकता, ज़्यादा टेम्परेचर को भी हैंडल नहीं कर सकता। मतलब कि साफ साफ हम कह सकते हैं कि इसका यूज जो है हम यहाँ पे मैं लिख देता हूँ नॉट फॉर हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर लाइन, ओके। मतलब कि इसको हाई प्रेशर लाइन में और हाई टेम्परेचर लाइन में इसका यूज नहीं करना है, ओके। तो चलिए देखते हैं अगला। तो नेक्स्ट है हमारे पास वेल्ड नेक फ्लांज, ओके। तो आइए आपको दिखाते हैं वेल्ड नेक फ्लांज। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स ये है हमारा वेल्ड नेक फ्लांज, ओके। इसमें क्या है, इसको हम नेक बोलते हैं, ये वाला जो है ना यहाँ से यहाँ तक का जो एरिया है ये जो आप देख रहे हैं इसको हम नेक बोलते हैं, ओके। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें क्लियर दिख रहा होगा, यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो होता है उसको हम नेक बोलते हैं, और ये तो फ्लांज हो गया, ठीक है। तो इसमें बेसिकली देखिए इस टाइप से रहेगा, ओके, और इसमें वेल्डिंग यहाँ पे आ रहा है, ये पाइप आ गया इधर से और यहाँ पे, और यहाँ पे वेल्डिंग होगा, ठीक है। तो इसका यूज जो है हम हाई प्रेशर लाइन में कर सकते हैं, ओके, और साथ ही इसका यूज जो है हम हाई प्रेशर लाइन
और हाई टेम्परेचर लाइन, दोनों में इसका यूज जो है हम कर सकते हैं। लेकिन इसका जो कॉस्ट है वो भी थोड़ा हाई होता है कंपेयर टू अदर फ्लांस, ठीक है। इसका कॉस्ट थोड़ा ज़्यादा होता है, ये अलग अलग क्लास पे अलग अलग जो है साइज के आते हैं। तो फ्रेंड नेक्स्ट है हमारा ब्लाइंड फ्लांज, ओके। तो देख सकते हैं ये है ब्लाइंड फ्लांज, इसका यूज हम कहाँ पे करते हैं, तो इसका यूज जो है बेसिकली हम किसी भी लाइन को बंद करने के लिए करते हैं। जैसे मान लीजिए ये कोई इधर से एक लाइन आया है ऐसा, ओके, और यहाँ पे मान लीजिए कुछ वाल वगैरह लगा हुआ है यहाँ पे, ओके, ये वाल हो गए। और इधर से अब हमको जो है लाइन को आगे लेके नहीं जाना है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे ब्लाइंड फ्लांज लगा देंगे। तो ब्लाइंड फ्लांज कैसे लगेगा, सबसे पहले हम एक फ्लांज लेंगे, ठीक है, कोई भी, और उसके बाद ऊपर से इसको हम यहाँ पे ऐसे लगा देंगे। तो ये क्या होगा, लाइन बंद हो जाएगा, मतलब अब पानी आगे नहीं जा पाएगा, ठीक है। यहाँ पे मैं एक और यहाँ पे ड्राइंग दिखा देता हूँ आपको। मान लीजिए ये एक फ्लांज है, ओके, तो इसको अगर हमें बंद करना है तो हम डमी फ्लांज इस पर ऐसे लगा देंगे ऐसा, ठीक है, और यहाँ पे नट बोल्ट लगा देंगे। तो ये क्या हुआ, ये लाइन बंद हो गया, अब पानी जो है बाहर नहीं जा सकता है। तो ब्लाइंड फ्लांज का यूज जो है हम लाइन को बंद करने के लिए करते हैं, या फिर लाइन को अगर अलग करना हो, आइसोलेट करना हो, तो जो है हम इसका उपयोग करते हैं। तो ब्लाइंड फ्लांज का यूज जो हम डमी के तौर पे करते हैं, मतलब कि लाइन को अगर कहीं पे ख़त्म करना हो, बंद करना हो, आगे अब लाइन हमें लेके नहीं जाना हो, तो जो है हम इस टाइप के फ्लांज का यूज करते हैं, ओके। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट। तो फ्रेंड नेक्स्ट है हमारा सॉकेट वेल्ड फ्लांज, ओके। तो आइए देखते हैं सॉकेट वेल्ड फ्लांज कैसे होता है। तो देख सकते फ्रेंड ये है सॉकेट वेल्ड फ्लांज। तो इसमें बेसिकली क्या होता है, यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ ड्रॉ करके। जैसे मान लीजिए ये हमारा फ्लांज हो गया, ठीक है। इसमें क्या होता है ना, इस टाइप से ऐसे दिया हुआ रहता है ऐसे। तो इसमें क्या होता है कि ये जो पाइप है, ये जो पाइप है वो इस पे आके ऐसा रेस्ट हो जाएगा, ठीक है, ऐसा, और इधर का भी ऐसा, ठीक है। ये हमारा पाइप है गोल, तो इसमें पाइप घुसाएंगे तो यहाँ पे रेस्ट हो जाएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं ये एज निकला हुआ है, ये दिख रहा है आपको, देखिए इस पे पाइप रेस्ट हो जाएगा। तो वेल्डिंग हमें कहाँ पे, यहाँ पे करना है। ये बाहर में भी उठा हुआ है, मतलब कि ऐसा रहेगा और ऐसा रहेगा, ठीक है। तो वेल्डिंग हमें यहाँ पे करना है, यहाँ पे और एक यहाँ पे, ओके। तो इसका यूज जो हम बेसिकली लो प्रेशर का जो लाइन होता है उसमें हम करते हैं, ठीक है, और जो लो टेम्परेचर का जो लाइन होता है उस पर करते हैं, ओके। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट। तो फ्रेंड नेक्स्ट है हमारा स्लिप ऑन फ्लांज, ठीक है। आइए देखते हैं स्लिप ऑन फ्लांज क्या होता है। तो इसमें बेसिकली क्या होता है, ये जो फ्लांज का जो आईडी है, जो आप ये देख सकते हैं ये वाला, इसमें जो है पाइप घुस जाता है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये देखिए, ये पाइप को जो है पूरा इसमें घुसा दिया गया है, ठीक है, इसको पूरा यहाँ तक घुसा दिया गया है। और इधर से लगभग 15 से 20 एमएम आपको छोड़ना है, और यहाँ पे वेल्डिंग आपको कर देना है, कि यहाँ पे वेल्डिंग आएगा और एक यहाँ पे वेल्डिंग आएगा, ओके। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट है हमारा लैप जॉइंट फ्लांज, आइए देखते हैं। तो ये देखिए ये है लैप जॉइंट फ्लांज। तो इसमें बेसिकली एक ये हो गया आपका फ्लांज, ठीक है, जिसको बैकिंग फ्लांज हम बोलते हैं, और ये जो होता है इसको हम बोलते हैं स्टब एंड, जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं फोटो में, है ना। तो ये अभी दोनों जो है अलग अलग है, जब इसको हम लगाते हैं तो ये कुछ इस तरीके से हो जाता है। और यहाँ पे देखिए इसका जॉइंट है, मतलब ये पाइप इसमें यहाँ पे जॉइंट किया गया है, देख सकते हैं आप, ओके। तो फ्रेंड्स टाइप्स ऑफ फ्लांज तो हमने देख लिए, अब हम आपको बताएंगे कि इसका फेस भी होता है, अलग अलग फेस होता है, ठीक है, मतलब जैसे थ्रेडेड फ्लांज हो गया, ठीक है। तो थ्रेडेड फ्लांज में कई टाइप का आपको जो है फेस देखने को मिलेगा, सब में अलग अलग टाइप का आपको फेस देखने को मिलेगा। तो फेस कौन कौन सा होता है, चलिए आपको दिखाते हैं एक एक करके, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन ऑफ फेस, मतलब जो इसका फेस होता है उसमें इसको जो है वर्गीकृत किया गया है, तो आइए जानते हैं एक एक करके। तो पहला जो होता है वो होता है फ्लैट फेस, ओके, उसके बाद दूसरा होता है रेज्ड फेस, ओके, तीसरा होता है रिंग जॉइंट टाइप, रिंग जॉइंट टाइप, ओके, चौथा होता है टोंग एंड ग्रूव, ओके, और पांचवा होता है मेल एंड फीमेल टाइप। तो आइए देखते हैं एक करके। तो पहला है फ्लैट फेस, तो यहाँ पे मैं आपको फोटो दिखाता हूँ फ्लैट फेस का जो फ्लांज होता है उसका। तो ये देखिए ये जो आप देख रहे हैं ये फ्लैट फेस हो गया, ठीक है, देख सकते हैं आप यहाँ पे, इसका जो फेस है बिल्कुल वो क्या है, बिल्कुल फ्लैट है, मतलब इसमें कोई भी ये जो
रेज्ड अभी हम देखेंगे तो उसमें इस टाइप का उठा हुआ रहेगा, ठीक है। तो इसको जो है हम फ्लैट फेस बोलते हैं, मतलब ये पूरा जो है फ्लैट रहेगा। ओके, तो आइए दूसरा वाला देखते हैं जो कि हमारा रेज्ड फेस। तो फ्रेंड्स ये जो आप देख रहे हैं इसको हम रेज्ड फेस बोलते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया ये थोड़ा सा उठा हुआ रहेगा, तो देखिए यहाँ पे ये उठा हुआ है। ओके, ये देख सकते हैं आप, ये उठा हुआ है, देखिए इधर उठा हुआ है और इधर उठा हुआ है, ठीक है। इसको हम रेज्ड फेस बोलते हैं, ठीक है। अगला है हमारा रिंग जॉइंट टाइप। तो यहाँ पे मैं दिखाता हूँ आपको इसका फोटो। तो फ्रेंड्स ये जो आप देख रहे हैं ये रिंग जॉइंट टाइप हो गया, ठीक है। यहाँ पे इसमें जो एक और जो इसका फ्लैंज रहेगा तो उसमें रिंग रहेगा, वो रिंग आके इसमें बैठ जाएगा, ठीक है। इसमें बैठ जाएगा तो ये बिल्कुल जो है चिपक जाएगा एक दूसरे से। ओके, तो इसलिए इसको रिंग जॉइंट बोलते हैं। उसके बाद है टंग एंड ग्रू। आइए आपको दिखाते हैं टंग एंड ग्रू किस टाइप का होता है। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स ये है टंग एंड ग्रू, ठीक है। जैसे मैंने आपको इसमें बताया कि रिंग टाइप में होता है, तो सेम इसमें भी आपको जो है देखने को मिलेगा, आपको यहाँ पे फोटो देखने को मिल रहा होगा, ठीक है। टंग एंड ग्रू कुछ इस टाइप से होता है। ओके, तो नेक्स्ट है हमारा मेल एंड फीमेल टाइप, ठीक है। तो आप जैसे कि देख सकते हैं कि ये जो है ये मेल एंड फीमेल टाइप का फ्लांज है। ओके, यहाँ पे आपको फोटो देखने को मिल रहा होगा, अच्छे से आप समझ सकते हो। ओके, तो ये था